तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड से कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीज़। तो कार्डबोर्ड की मदद से मतलब आज इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लाइट बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे पास है कार्डबोर्ड, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन से आज बनाने वाले हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट कट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको मार्क कर देते हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो उसको काट लेने के बाद कुछ इस तरह का शेप का डिज़ाइन देने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड लाके इसको यहाँ से चिपकाएंगे, तभी इस तरह का शेप बनेगा। तो इसको इसके डिज़ाइन में हमने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम उस पर एक ग्लू गन की मदद से थोड़ा थोड़ा ग्लू दे के इसको हम चारों तरफ से यहाँ पर ग्लू देते हैं और इसको चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरह से ग्लू यहाँ पर दे चुके, उसके बाद कुछ इस तरह से एक कार्डबोर्ड लाएंगे और इसके ऊपर चिपकाएंगे। तो कुछ इस तरह का शेप वाला कार्डबोर्ड है, इसको आप बना के चिपका सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये चिपका लेना। गाइस हमने कुछ इस तरह से एक तरफ से हमने चिपका लिया है, अभी हम इसको दूसरे तरफ से भी यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्लू गन से ग्लू थोड़ा सा देके इसको भी इस तरफ से भी चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसमें ग्लू हल्का हल्का दे रहे हैं और चिपका देंगे ये पूरा चारों तरफ से। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लिया है, यहाँ पर कट करेंगे और स्विच बटन और एक चार्जिंग करने का केबल कुछ इस तरह का लगाने वाले हैं चार्ज करने का। तो इसको हम कट कर लेंगे और कुछ इस तरह से स्विच बटन और उसको लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से कट हो चुका, अब हम इसको लगाते हैं कुछ इस तरह से और दूसरा कुछ इस तरह से ये चार्जिंग करने का लग गया। अभी गाइस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ होल किए हैं और वायर को यहाँ से सोलर पैनल को हम डाल रहे हैं वायर को कुछ इस तरह से, और इसमें सोलर से भी चार्ज होगा और कुछ इस तरह का है सोलर। सोलर चिपका लेने के बाद गाइस कुछ इस तरह हम लेंगे एक लिथियम बैटरी और कुछ इस तरह से इसमें हम ग्लू गन की मदद से ग्लू को दे के कुछ इस तरह से इसको चिपका लेते हैं। अभी गाइस चिपका लेने के बाद कुछ इस तरह से एलईडी पैनल को भी हमें यहाँ पर चिपकाना होगा। तो इसमें भी हम ग्लू गन से ग्लू थोड़ा सा देके इसको हम चिपका लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको अच्छे से चिपका लेने के बाद अभी इसका करेंगे कनेक्शन वगैरह। तो इसको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा अंदर पे सारा वायर को, और आपको दिखाते हैं कनेक्शन करने के बाद। कनेक्शन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का है हमारे पास ये एलईडी। तो यहाँ पर हमें ग्लू गन की मदद से इसको चिपकाना होगा। तो कुछ इस तरह से पूरा कनेक्शन हो चुका है इसका, और ग्लू गन से इसको हम चिपकाते हैं और इसको हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चिपक लेने के बाद गाइस कुछ इस तरह का ये लुक दिखता है। तो ये कुछ इस तरह का है लुक, यहाँ पर सोलर पैनल और एलईडी पैनल कुछ इस तरह से काफ़ी मस्त और अच्छे से दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे का डिज़ाइन है हमने सोचा है। तो कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन प्रोजेक्ट आज का। तो उसको हम करते हैं ऑन और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से लाइट और किस तरह से रोशनी देता है। तो अभी हम करते हैं लाइट को ऑफ, लाइट को ऑफ किया जाए। तो कुछ इस तरह से ऑफ़ करने के बाद गाइस ये दिखता है कुछ इस तरह का ब्राइटनेस मतलब रोशनी, कुछ इस तरह का पावरफुल लाइट है ये, आप इसे घर पे इजीली से बना सकते हो। तो कुछ इस तरह का है हमारा प्रोजेक्ट और कुछ इस तरह का है लाइट आ गया गाइस। तो अभी मैं बता दूं कि इसको चार्ज किस तरह से करना है। तो ये सोलर पैनल है, इसे आप चार्ज कर सकते हो, और कुछ इस तरह का है एक डीसी चार्जर किट हमने लगाया है। तो आप डीसी चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से लाइट के रूप में। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।